हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी जनसंख्या संगठन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या संगठन है वो क्या होता है, कि पॉपुलेशन कंपोजिशन जनसंख्या की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन है वो कहा जाता है। यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पॉपुलेशंस की, उनको पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो कहा जाता है। अब पॉपुलेशन कंपोजिशंस में लिंग, जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, आयु, उनकी एज क्या है, श्रम शक्ति, आवास इकाइयों, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, मानव प्रजातिता, शिक्षा तथा व्यावसायिक संरचना इत्यादि द्वारा होता है। जनसंख्या संयोजन की इन विशेषताओं को जनांकीय विशेषताएं कहते हैं, कि जनसंख्या संयोजन की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि जेंडर क्या है आपका, मेल या फीमेल क्या है, एज कितनी है, ठीक है, श्रम शक्ति क्या है, इनको क्या कहेंगे, जनांकीय विशेषताएं है वो कहा जाता है। जनसंख्या की जनांकीय विशेषताएं है वो कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका रूरल अर्बन कंपोजिशन, कि आपकी रूरल अर्बन जो कंपोजिशन है, यानी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है, वो उसकी कंपोजिशन, ये उसका संगठन है वो कैसा है। अब उसमें आता है कि निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो वर्गों में संयोजित है वो होती है, यानी कि लोग गांव में निवास करते हैं या नगरों में निवास करते हैं, इस आधार पर जो जनसंख्या है उसको दो वर्गों में कैटेगराइज है वो किया जाता है, यानी टू कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट आती है आपकी ग्रामीण जनसंख्या और सेकेंड है आपकी, यानी फर्स्ट है आपकी रूरल, रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, और सेकेंड है आपकी अर्बन पॉपुलेशन। अब भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में ज्यादा पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है, यानी गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है, और ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, जैसे खेती करना, मछली पालन, इनमें वो इन्वॉल्व रहती है और इन्हीं के माध्यम से वो अपनी आजीविका है वो चलाती है। नगरों में रहने वाली पॉपुलेशन को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है, नगरीय जनसंख्या है वो सेकेंडरी टेरिटरी एंड क्वार्टनरी, यानी तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलापों में या पंचम क्रियाकलापों में है वो इन्वॉल्व रहती है, उनमें ज्यादा है वो बिजी रहती है, ये काम है वो नगरीय जनसंख्या है वो ज्यादा करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका अब आता है कि भारत मुख्यतः गांव का देश है, जहां देश के कुल जनसंख्या का 3/4 भाग है वो छोटे बड़े गांव में निवास करता है। अब 2011 के डाटा के अनुसार, जनगणना के अनुसार, 68.84% जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है, यानी 2011 के सेंसस के अनुसार 60, इसको अगर हम राउंड फिगर में करेंगे तो ये 69% जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती हैं, और अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें, यानी 2020 की बात करें, तो इस समय 65.53, यानी 66% जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है। उसके बाद आता है कि ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से अधिक औसत वाले राज्य, की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके राष्ट्रीय औसत से अधिक औसत वाले राज्य कौन से हैं, इनमें आता है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 85% जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है, यानी हिमाचल प्रदेश में 85% पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है, 85% पॉपुलेशन है वो ग्रामीण सबसे ज्यादा है। भारत के कुछ राज्य एकदम ग्रामीण है, जैसे बिहार व असम। अब बिहार व असम इन ये है, ये एकदम ग्रामीण राज्य है, इन राज्यों में 85%
से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। अभी इन दोनों राज्यों की 85% यहां 89 आएगा और बिहार और असम की 85% जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है। इन लगभग यही प्रतिरूप उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड व मेघालय का है जहां की 70 से 85%, ठीक है, 70 से 85% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा दादरा व नगर हवेली में 65 से 80% जनसंख्या है वो ग्रामीण है। ग्रामीण जनसंख्या के अब इसमें तो देखो ये अधिक औसत वाले आ गए, अब इसमें नेक्स्ट आता है ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से कम औसत वाले राज्य, यानी वो राज्य जो राष्ट्रीय औसत से कम औसत है जिनका ग्रामीण जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत से कम ग्रामीण जनसंख्या, गोवा गुजरात हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा दादरा व नगर हवेली को मिलाकर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती है। देश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली व चंडीगढ़ में पाई जाती है। अब देश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है दिल्ली व चंडीगढ़ में पाई जाती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2.5% व चंडीगढ़ में, अब दिल्ली की बात करें 2.50% पॉपुलेशन और चंडीगढ़ में 2.72% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या की पाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है अर्बन पॉपुलेशन यानी नगरीय जनसंख्या, कि अर्बन पॉपुलेशन का नगरीय जनसंख्या का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है कि अर्बन जो पॉपुलेशन है उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है वो रही है। फिर भी कि वर्ल्ड के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत के साथ, भारत संसार के उन देशों में से एक आता है कि भारत की जो काउंटिंग है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के उन कंट्रीज में से काउंट किया जाता है जहां पर नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन की जो है वो काफी कम स्पीड से, काफी कम है वो अर्बनाइजेशन है वो हुआ है। कि 2011 के अनुसार, अब 2011 के की जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार 31.16% जो जनसंख्या है वो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी 31.16 जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, जबकि विश्व की यानी टोटल पॉपुलेशन है वो 51% जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड वो अर्बन पॉपुलेशन है। अगर हम करंट की बात करें तो भारत में 32.16 के आसपास ये डाटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि करंट टाइम पर भारत की 32.16 जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। अब देखो ये टेबल है, इसमें विश्व की ये 2001 के डाटा है, सॉरी 11 के डाटा है हमारे पास, कि 2011 में वर्ल्ड की 51% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में 75% पॉपुलेशन, चाइना की बात करें तो 39% और ब्राजील की बात करें तो 75%, जापान 77% जो पॉपुलेशन है वो जापान में अर्बन पॉपुलेशन है, क्योंकि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रियों में काउंट होता है। अगर हम उसके बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान हमारे नियर बाय ही है, वहां पर 32% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। पश्चिमी एशिया यहां पर 63% पॉपुलेशन अर्बन है। यूरोप जो एक विकसित कॉन्टिनेंट काउंट होता है वहां पर 73% पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया में 85% और न्यूजीलैंड और आपका अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में 84 और अफ्रीका में आपकी 34% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। अब देखो ये अफ्रीका पूरे एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की भी पूरे एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया की 85% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। अब नेक्स्ट आता है कि भारत में नगरीकरण की वृद्धि की प्रवृत्ति, की वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है। वर्तमान में भारत में नगरीकरण की तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति है।
ट्वेंटी शताब्दी में पहले तीन दशकों में यानी 1991 से 1931 तक के तीन दशकों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि मंद रही। अब देखो इसमें आप देख सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि है वो काफी मंद रही है, यानी 10.81% राउंड फिगर में करें तो 11%, ये आपका 10 ही होगा, ये आपका 11 और ये आपका 12, यानी इस दशक में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ वो नियर बाय 10 या 12 के आसपास ही रही है, इससे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो नहीं रही है। लेकिन अगर हम अब 20th सेंचुरी की बात करें या 21st सेंचुरी की बात करें तो भारत में नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वृद्धि है वो तेज गति है कि अब नगरीकरण है वो तेज गति से हो रहा है। भारत में नगरीय जनसंख्या सन 1931 के बाद तेजी से बढ़नी शुरू हुई, यही कारण है कि 1931 में भारत में नगरीकरण के इतिहास में जनसंख्या विभाजन डेमोग्राफिक डिवाइड वर्ष कहा जाता है। 1901 में नगरीय जनसंख्या मात्र 2. अब इसमें हम बात करें तो नगरीय जनसंख्या मात्र 2.58 करोड़, ठीक है, इसमें यानी 1901 में जो नगरीय जनसंख्या है वो मात्र 2.85 करोड़ यानी 2,58,00,000 है वो नगरीय जनसंख्या है। अब जो सन 2011 में 37.7 करोड़ अर्थात लगभग 15 गुना हो गई। अब इसके बाद से नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है और अब बात करें तो 37 करोड़ नियर बाय, ठीक है, 37 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है वो नगरीय जनसंख्या है। 1931 के बाद नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर आर्थिक विकास स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण त्वरित हुई है कि इसके बाद जो नगरीय जनसंख्या बढ़ी कि 1931 के बाद वो स्वास्थ्य सुविधाओं में और आर्थिक विकास में सामाजिक सुविधाओं में विस्तार होने के कारण जो नगरीय जनसंख्या है उसमें तेज गति से वृद्धि है वो हुई है। कुल जनसंख्या की भांति अब जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी भांति भारत में नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी भिन्नताएं हैं वो पाई जाती है, यानी नगरीय जनसंख्या है वो भी ऐसा नहीं है कि हर जगह एक समान पाई जाती है, उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, डाइवर्सिटीज हैं वो पाई जाती हैं। कई अर्बन पॉपुलेशन क्या है कि एक्सेस है और कई अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, उसमें काफी लॉट्स ऑफ डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि भारत में नगरीकरण की दृष्टि से अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की दृष्टि से नजर डालते हैं तो गोवा देश में नम फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आता है जहां पर 62.17% पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है सेकंड पोजीशन पर जो स्टेट आता है उसका नाम है मिजोरम, वहां पर 51.51% पॉपुलेशन है वो निवास करती है, यानी सेकंड स्थान के ऊपर है वो मिजोरम आता है। मिजोरम जो है वहां पर नगरीकरण है वो ज्यादा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पे है वो आपका गोवा है, ठीक है। भारत में अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो बड़े राज्यों में सर्वाधिक जो नगरीकरण है वो महाराष्ट्र राज्य में हुआ है कि जो बड़े राज्य हैं उनमें सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। और महाराष्ट्र राज्य में क्या है कि 45.23% पॉपुलेशन है वो नगरों में रहती है और मुंबई है वो भारत की आर्थिक राजधानी है वो कहलाती है। अब भारत में दिल्ली 97.50% और चंडीगढ़ 97.25% है वो नगरीकरण है वो सर्वाधिक हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कम नगरीकरण वाले राज्य तो कम नगरीकरण वाले तीन राज्य आते हैं जहां पर नगरीकरण है वो बहुत ही कम हुआ है, उसमें है आपका बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। बिहार में आपका 11.30% अर्बनाइजेशन है वो हुआ है, हिमाचल प्रदेश में 10.04% अर्बनाइजेशन हुआ है और उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में 16.68% है वो अर्बनाइजेशन हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि इनमें कम क्या है कि मध्य तथा निम्न गंगा के मैदान कृषि की दृष्टि से प्रतिरोध है जबकि पश्चिमी राजस्थान अशिक्षित है, नक्सल प्रभावित तेलंगाना उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों बाढ़ संभावित क्षेत्रों व छत्तीसगढ़ में अवसंरचना के अभाव में सामाजिक आर्थिक विकास कम हुआ है, इसी कारण इन क्षेत्रों में नगरीकरण का जो स्तर है वो कम पाया जाता है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के अब भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या है वो आधे से अधिक
यानी 51% आधे से अधिक 51% अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है वो देश के 5 राज्यों में निवास करती है। उसमें फर्स्ट आता है आपका महाराष्ट्र, सेकंड है आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड है आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ है आपका तमिलनाडु और फिफ्थ है वो है आपका पश्चिम बंगाल। इनमें आधे से ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की वो निवास करती है। इसके अन्य 5 राज्यों जैसे कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान में देश की 1/4 से अधिक यानी इन राज्यों में 26.18% जो पॉपुलेशन है, 1/4 से अधिक पॉपुलेशन है, नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार इन 10 राज्यों में भारत की 77% से अधिक नगरीय जनसंख्या रहती है। कि 5 ये राज्य और जिन 5 राज्य जिसमें राजस्थान, कर्नाटक ये आते हैं, इनमें देश की 77% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो निवास करती है।